नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और चले रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का, फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खगड़िया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। वे हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और इलाकों का हाल देखा। मुख्यमंत्री खगड़िया शहर के साथ साथ गोगरी और परबत्ता का एरियल सर्वे करते हुए भागलपुर के लिए निकले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ को लेकर धार्मिक माफी मांगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं बिहार एनडीए की तरफ से उन सनातनियों से माफी मांगता हूं जो बाढ़ की वजह से पूजा पंडाल और मेले का आयोजन नहीं कर पाए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे और सूबे के अमन चैन की दुआएं मांगने पहुंचे। नीतीश कुमार ने आज दिन की शुरुआत अगम कुआं स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। अगमकुआ के शीतला माता मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिरने से बाल बाल बच गए। मुख्यमंत्री जब मंदिर पहुंचे तो उनका पैर फिसल गया था। मुख्यमंत्री का संतुलन बिगड़ गया, हालांकि उनके सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बचा लिया। नवरात्र की अष्टमी के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ऐतिहासिक पटन देवी मंदिर पहुंचे और मां की पूजा अर्चना की। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। नवनिर्वाचित निर्विरोध बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे चनपटिया के भगहा माई स्थान पहुंचे और पूजा अर्चना की। सतीश चंद्र दुबे बाइक चलाकर खुद पहुंचे माई के स्थान। माता के मंदिर में अजब गजब नजारे देखने को मिल रहे हैं। पटना के काटपुल मंदिर में आर्ट कॉलेज के छात्रों ने गेहूं और ड्राई फ्रूट की मदद से प्रतिमा बनाई है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में दुर्गा पूजा के मौके पर ऐतिहासिक सिंहासिनी देवी मंदिर में 2 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में नेपाल से भी लोग पहुंच रहे हैं। बेगूसराय में निशा पूजा के बाद मां दुर्गा के पट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर से लेकर गांव तक विभिन्न पूजा पंडालों में लोग मां की प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं। समस्तीपुर में नवरात्रि के मौके पर माता गौरी की पूजा हो रही है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मधुबनी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उच्चैठ दुर्गा स्थान में माता के दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान मधुबनी के नेपाल से लगे सीमावर्ती इलाके में रुके थे। मधुबनी में बाबू बरही प्रखंड में खड़बनी और भूपट्टी में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। यहां ग्रामीण 36 सालों से मां दुर्गा की आराधना करते हैं, जिसमें प्रत्येक समुदाय के लोग शामिल होते हैं। सीतामढ़ी में भी महाअष्टमी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अष्टमी तिथि को श्रद्धालुओं की भीड़ पंडालों में उमड़ रही है। माता रानी के दर्शन और विधिवत पूजन को लेकर श्रद्धालु कतार लगाकर माता के दरबार में अपनी और परिजनों की कुशलक्षेम की मनोकामना मांग रहे हैं। गोपालगंज में दुर्गा पूजा के मौके पर डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें लोग भक्ति गीतों पर जमकर थके। गोपालगंज के सुल्तान पोखर स्थित माँ दुर्गा मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई, पूरा माहौल भक्तिमय था। जहानाबाद में पहली बार दुर्गा पूजा में मेटल डिटेक्टर्स के साथ साथ ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। बड़ी देवी मंदिर यानी कि ठाकुरबाड़ी में लगने वाले मेले और पूजा पंडालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। लखीसराय के बढ़िया में मां जगदम्बा का सुंदर मंदिर बिहार की नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र है। बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड स्थित तेलडीहा दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहां दूर दूर से भक्त मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। महाअष्टमी के अवसर पर बिहार शरीफ के दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में माता की गोद भराई के लिए महिलाओं की अपार भीड़ देखी गई। गया में शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त माता दुखहरिणी मंदिर में मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सिवान में भी डांडिया का आयोजन किया गया है। इस मौके पर लोगों ने खूब मस्ती की। छपरा में नवरात्र के मौके पर जी मीडिया ने श्रद्धालुओं को पेयजल मुहैया कराया, इसकी सबने सराहना की है। मुंगेर में बड़ी दुर्गा माता मंदिर में भी महाअष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। माता के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थी। इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए मुंगेर से ही नहीं दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचते हैं। मुंगेर के मां चंडिका शक्तिपीठ में श्रद्धालु आज माता के दर्शन करने नहीं कर सके। दरअसल मंदिर के गर्भगृह में अभी भी बाढ़ का 5 से 6 फीट तक पानी भरा, जिसके चलते लोग मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए। अररिया में दुर्गा मंदिर जाने के लिए रास्ते पर से अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मंदिर कमेटी ने जिला प्रशासन से मंदिर के रास्ते को मुक्त कराने की मांग की थी। मुंगेर में मां गंगा नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस युवक के शव को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक युवक का शव नहीं मिला है। पाटलिपुत्र में बारिश के 10 दिन बीत जाने के बाद भी जल जमाव है। पानी कुछ कम तो हुआ है, लेकिन लोगों को अब डेंगू का डर सता रहा है।
पटना के रामकृष्ण नगर में अभी भी जल जमाव है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लोगों ने जल्द से जल्द जल निकासी की मांग की है। पटना के राजेंद्र नगर का हाल अभी बारिश के 10 दिन बाद भी खराब है। लोगों को मुसीबतों से राहत नहीं मिली है। खगड़िया में भारी बारिश और नदियों में उफान के कारण जल जमाव के हालात हैं। अभी तक जल निकासी का इंतजाम नहीं हो पाया। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि अत्यधिक जल जमाव के कारण नाव चलाई जा रही है। महामारी से बचने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का भी निर्देश दे दिया गया है। नीतीश कुमार को दोबारा जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बधाई दी है। पासवान ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई दी। नीतीश कुमार का दोबारा जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय था, इसे लेकर रामविलास पासवान ने पहले ही उन्हें बधाई दे दी थी। बेगूसराय में चोरी के आरोप में भिड़तंत्र ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा आरोपी मंदिर के निकट भीख मांग रहा था और एक युवक का पैसा लेकर भाग गया था। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र के लखीसराय के बढ़िया से लौट रहे कारोबारी के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। विरोध करने पर मारपीट के बाद फायरिंग भी की गई। सीतामढ़ी में बेलसंड के गीसारा में अपराधियों ने पूर्व मुखिया अशोक शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया अशोक शाह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला किया। मधेपुरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। जमुई जिले के झाझा में करंट लगने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। बेटी गंभीर रूप से जख्मी है। घर की सफाई के दौरान 13 साल की लड़की करंट की चपेट में आ गई। बाढ़ के मुखिया पति अरविंद कुमार भगत को बाढ़ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 के इनामी बदमाश को अरविंद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। बांका में कुएं से गेंद निकालने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दानापुर में देर रात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से नाराज ग्रामीणों ने दानापुर पटना मार्ग पर आगजनी की है। सहरसा में बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक अन्य बाइक पर सवार 3 लोगों को चाकू मार दिया। भोजपुर में बस ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया है, जिससे कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। छपरा में ट्रक की टक्कर में एक साइकिल सवार की मौत हो गई, उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड में पुलिस को सीसीटीवी से क्लू मिला है। सिर्फ शारीरिक हुलिये से पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। 27 सितंबर को लूट हुई थी। जमुई के झाझा में डीएसपी दफ्तर के पास एक घर में मां बेटी की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि उसकी बड़ी बेटी जख्मी हो गई। जहानाबाद में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और छापा मारकर भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल के देवधा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलने से लोगों को खासी परेशानी होती है। आलम यह है कि स्वास्थ्य केंद्र को अब लोगों ने मवेशी का घर बना लिया है। जमशेदपुर में भी नवरात्र की धूम मची हुई है। महाअष्टमी के मौके पर सीएम रघुवर दास ने एग्रीको दुर्गा पूजा पंडाल में पुष्पांजलि दी। रांची के न्यू दुर्गा पूजा पंडाल में लोग मां की भक्ति में लीन हैं। इस पंडाल में पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। यहां बच्चे जो पेंटिंग बनाएंगे उसी से मां की आरती होगी। नवरात्र को लेकर आज महाअष्टमी के मौके पर मां गौरी की पूजा के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पाकुड़ जिले में बड़ी ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। हर तरह की तल्ला में भव्य पंडाल और आकर्षक प्रतिमा बनाई गई। वहीं आमरापारा में भी भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। रामगढ़ के मुराम कला गांव में पहाड़ की चोटी पर स्थित माया टुंगरी में भी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। नवरात्र के मौके पर भारी तादाद में भक्त यहां पहुंचते हैं। रामगढ़ के मेन रोड सुभाष चौक के पास श्री श्री दुर्गा कमेटी की ओर से भव्य पंडाल बनाया गया, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा को बेहतरीन सुसज्जा के साथ स्थापित किया गया। गढ़वा में मां गढ़देवी के दरबार में दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। गढ़देवी से आसपास के 3 राज्यों के लोगों की अगाध श्रद्धा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यहां मां से मांगी गई हर मनौती पूरी होती है। साहिबगंज के बड़ा दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटती है। माता की महिमा दूर दूर तक फैली है। महाअष्टमी और महानवमी की पूजा करने के लिए लोगों की संख्या यहां पर हजारों में होती है। लोहरदगा के नवरात्र के मौके पर शहर में दांडिया गरबा की धूम देखने को मिल रही है। पूजा पंडाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संथाल परगना में मां दुर्गा की आराधना करने का अपना ही तरीका है। संथाल समाज के लोग मां दुर्गा की आराधना दासाई नृत्य से करते हैं। लोहरदगा के जय मां अम्बे दुर्गा पूजा पंडाल में जीवंत महिषासुरमर्दिनी का वृत्तांत पेश किया गया। मां दुर्गा की जीवंत प्रस्तुति को देखकर लोग भाव विभोर हो उठे। जामताड़ा में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दंड देने की अनोखी परंपरा नारायणपुर के दुर्गा मंदिर में देखने को मिलती है। यह परंपरा महाअष्टमी के दिन भक्तजन माता के दरबार में दंड भरते हैं। गुमला में दुर्गा पूजा के मौके पर बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार ने विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा किया। कोडरमा में रेलवे के टीआरडी कैंपस में पीट पीट कर हत्या के मामले में परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
हजारीबाग में दुर्गा पूजा को देखते हुए उत्पाद विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पाकुड़ में महेशपुर में वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई। पाकुड़िया बिजली गिरने से दो मवेशियों की मौत हो गई। पाकुड़िया के धावड़ डंगाल गांव में वज्रपात से दो मवेशियों की मौत। पाकुड़िया में बालू से लदे ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बड़े उत्साह के साथ दुर्गा पूजा कर रहे हैं। इस उत्सव में लोग में आने वाली पीढ़ी को भारत की संस्कृति से रूबरू कराना चाहते हैं। दुर्गा पूजा की भक्ति में पूरा विश्व, पूरा पश्चिम बंगाल भी डूबा हुआ है। दुर्गा पूजा के मौके पर कलकत्ता में भव्य और आकर्षक पंडालों का निर्माण किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में इको फ्रेंडली दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं। 7,000 से ज्यादा प्रयोग में लाई जा रही पेंसिल के बाकी बचे हिस्सों से ये पंडाल बना है। कोलकाता में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने शादी के बाद पहली बार दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा की। इस मौके पर टीएमसी सांसद ने बंगाली वाद्य यंत्र ढाक भी बजाए। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी कैंप्स पर हुई एयर स्ट्राइक पर बड़ा खुलासा किया है। ऑपरेशन बालाकोट का कोड वर्ड ऑपरेशन स्पाइस रखा गया था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की यूनिट 51 स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सम्मानित करेंगे। यूनिट के कमांडर ऑफिसर ग्रुप कैप्टन सतीश पवार इस अवार्ड को ग्रहण करेंगे। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल्स की गई। परेड में चिनूक और अपाचे के साथ कुल 54 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। कश्मीर से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 60 दिन बाद फारूक अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बीएसएफ ने आतंकियों की घुसपैठ नाकाम कर दी। घुसपैठ कराने के लिए पीओके की ओर से फायरिंग भी की गई जिसका बीएसएफ के जवानों ने मुतूर जवाब। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में इशारों इशारों में कहा कि हम सबको विश्वास है कि भगवान राम की शक्ति से आने वाले समय में हम लोगों को बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दिवाली मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार भी रिकॉर्ड 3,25,000 दिए जलाए जाएंगे। कांग्रेस में कलह और महाराष्ट्र हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बीच राहुल गांधी के बैंकॉक जाने की खबर पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं कि राहुल गांधी किस जगह से बैंकॉक गए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि हिंदुत्व का विचार देश के लिए खतरा है। बीजेपी और शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व की मुख्य मुद्दा रहा है। पाकिस्तान की जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलूर रहमान ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आजादी मार्च का ऐलान किया है। रहमान ने देश के मौजूदा आर्थिक संकट के लिए इमरान खान की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान सरकार को झूठे लोगों की सरकार बताया। आसिफ ने कहा कि इमरान को यह मान लेना चाहिए कि कश्मीर मुद्दे पर दुनिया हमारे साथ नहीं है। इमरान ने एक ट्वीट कर पीओके के लोगों से एलओसी पार नहीं करने को कहा था। साथ ही कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर में मानवीय सहायता देता रहेगा। बांग्लादेश के विदेश सचिव शाहिदुल हक ने असम में एनआरसी के फैसले को भारत का आंतरिक मामला बताया। इसी के साथ उन्होंने दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में कई मोर्चों पर जबरदस्त प्रगति की है यह भी जानकारी दी। इंडियन एयरफोर्स के 1990 में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखे जाने का फैसला किया गया। अलगाववादी नेता यासिन मलिक पर रवि खन्ना की जान लेने का आरोप है। देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने और जंग में 60% शारीरिक क्षति होने पर जवानों के परिवारों को अब केंद्र सरकार 8,00,000 रूपये तक की आर्थिक मदद देगी। ये मदद पेंशन, सेना की सामूहिक बीमा, सेना कल्याण निधि और अनुग्रह राशि के अतिरिक्त दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बीजेपी पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। चौबे के बयान पर श्रीनिवास हुसैन ने कहा कि कांग्रेस बताए कि उसके पास कितने राम हैं। जेएनयू में लेफ्ट के हंगामे के बाद एबीवीपी के छात्रों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। छात्रों ने कहा कि जेएनयू में ज्यादातर स्टूडेंट्स कश्मीर से 370 का डब्बा हटने से खुश हैं। रामपुर से सांसद आजम खान की 8 मामलों में दायर अग्रिम जमानत याचिका को जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया। आजम खान का मकान तोड़ने और भैंस से चोरी करने के मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली के मायापुरी में बेकाबू डीटीसी की एक बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी जिनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई की आर्य कॉलोनी में पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे 29 प्रदर्शनकारियों को बोरीवली कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। जम्मू के रनसू में भारतीय सेना की ओर से मेगा मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें महिलाओं, बच्चे और बुजुर्गों ने पहुंचकर अपनी बीमारी का इलाज करवाया। यूपी पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश में अभियान चला रही जिसके तहत लखनऊ पुलिस ने अस्थायी बस्तियों में पहुंचकर पहचान पत्र की जांच की। भारत सरकार के पर्यटन संघ मंत्रालय की ओर से आयोजित 4 दिवसीय पर्यटन पर्व महोत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति देखने को मिली।
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इन चुनावों में जीत का दावा किया है। उद्धव के मुताबिक सूबे में जनता की भारी समर्थन शिवसेना को ही मिल रहा है। चुनावों से पहले मुस्लिम और धनगर समाज के साथ ही बंजारा, माली और कोली वर्गों के संगठनों ने शिवसेना का समर्थन किया है। पुणे के पास मौजूद पिपरी चिचवाड़ की तीनों सीटों पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी से कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। भूसरी, पिपरी और चिंचवाड़ तीनों सीटों पर पार्टी उम्मीदवार नहीं होने की सूरत में एनसीपी ने निर्दलीय कैंडिडेट्स का समर्थन करने का ऐलान किया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नाराजगी छोड़ चुनावों में जुट जाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक सरफरा शिक्षा मित्र एक मासूम छात्र के लिए शैतान साबित हुआ। पहले तो उसने कक्षा 2 के छात्र दीपक से जबरन झाड़ू लगवाई और जब सफाई ठीक से नहीं हुई तो उसकी पिटाई भी की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अपनी फसलों के खराब हो जाने के दुख से दुखी एक किसान ने फासले लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सोयाबीन की फसल देखते देखते खेत गया था और किसान ने जब देखा कि फसल सड़ गई है तो उसने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के सतना में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप मच गया। हरियाणा के सोनीपत में बिजली विभाग का पोल लगाने पर कर्मचारियों ने गैस पाइपलाइन के ऊपर मशीन से गड्ढा खोद दिया, जिसकी वजह से गेंद की गैस की पाइपलाइन टूट गई। पाइप से गैस बहुत तेजी से लीक होने लगी। और 100 शहर 100 खबर में इतना ही। रुक एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, जल्द लौटते हैं।